नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्वावलंबन कार्ड UDID कार्ड होता है, यानी यूनिक्यू डिजेबिलिटी ID गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। पहले यह ऑफलाइन ही हो जाता था, जो हैंड राइटिंग करके देता था वो अब नहीं चलेगा, आपको ऑनलाइन बनवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। लेकिन मैं आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर परसेंटेज बढ़ाना हो, जैसे 40% किसी का है, किसी का 10% है, किसी का 20% है, वो अपना जो कार्ड है UDID कार्ड है उसका परसेंटेज कैसे बढ़ाएंगे, या किसी भी प्रकार का करेक्शन आप कैसे करेंगे, जैसे कि सुधार कैसे करेंगे। अगर आपका हो सकता है कि आपका कार्ड भी बन गया है, कार्ड बन जाने के बाद या कार्ड बनने से पहले कैसे आप अपने प्रोफाइल में इस समय आप कैसे करेक्शन करेंगे, उसके लिए भी मैं चर्चा करूंगा। किसी का नाम में मिस्टेक होगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट में बताएं कि आप में क्या मिस्टेक हैं। देखिए, डिजेबिलिटी जो भी विकलांग जन है उसके मैं हेल्प में काम करता हूं और मैं समाज सेवी हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलता है, मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हमारे पास जो भी लोग आता है मैं उसको हेल्प करता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों का मैंने बनवाया है, खुद मैंने पर्सनली, मैं एक्सपीरियंस है मेरे पास इस चीज़ का, कि बहुत सारे लोगों का 40% था तो मैंने 60% तक बढ़ते हुए देखा है, वो लोग बढ़ा देते हैं। तो ऐसे ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। A few moments later, आइए पहले मैं जो स्वावलंबन यूनिक्यू जो डिजेबिलिटी ID है उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको ले चलता हूँ। वहाँ पे मैं आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा लॉगिन करके। पहले तो ये जो स्वावलंबन कार्ड .government.in के होम पेज पे आपको लॉगिन कर जाना है, विजिट करना है। विजिट करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। पहले तो मैं इसको होम पेज पे चला जाता हूँ, यहाँ पे होम पे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका आ जाएगा, ऐसा इंटरफेस आपको आएगा। इसके बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा कि अप्लाई अगर न्यू करना है तो यहाँ पे अप्लाई फॉर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड UDID कार्ड करेंगे, या अप्लाई फॉर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट रिन्यूअल करना चाहते हैं रिन्यूअल भी कर सकते हैं। अगर हो सकता है कि आपका लॉस्ट हो गया है, ट्रैक कर सकते हैं डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट को, आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं। तो अपडेट पर्सन प्रोफाइल से नहीं होता है, काम नहीं करता है, मैंने खुद इसमें काम किया था तो नहीं होता है, तो झूठ बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं। अब चलिए पहले आपको जितने भी चीज़ है तो मैंने आपको मैं डाउनलोड करके मैं बताऊंगा जी। UDID कार्ड जो मैंने अप्लाई किया था तो वो फाइनली आ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पहले तो क्या करेंगे, इसमें इंट्रोल नंबर पहले लॉगिन कर जाना है। अगर पहली बार आप जो है तो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा कार्ड बन गया है तो मैं लॉगिन करूंगा, पहले से मैं यूज़र हूं तो यहां पे लॉगिन करूंगा। इंट्रोलमेंट नंबर और UDID नंबर जो है आपके पास आया है वो यहां पे डाल सकते हैं, तो मैंने यहां पे डाल दिया है। और ध्यान दीजिएगा कि अवलिक जो स्लैश दिया हुआ है वो स्लैश देना पड़ेगा, नहीं तो आपको लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं बारी बारी से मैं अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, UDID नंबर मैं डाल देता हूँ। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे डालूँगा। तो डेट ऑफ बर्थ ये सब डालने के बाद एक कैप्चा फिल करना पड़ेगा, वो कैप्चा यहाँ पे डाल करके तब आपका होगा। ध्यान रखना है कि जब पहली बार अगर आप अप्लाई करेंगे तो सीधे नहीं होगा, इसके लिए मेडिकल बोर्ड में आपको होम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। इसके बाद क्या है कि डेट ऑफ बर्थ ये सब डालिए, कैप्चा कोड डालिए, समझे। इसके बाद ये क्या है कि वो कैप्चा मेरा गलती हो गया है, फिर से मैं यहाँ पे डालता हूँ। इसके बाद ये लॉगिन हो गया है, यहाँ पे डाउनलोड या रिसीव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद बहुत सारा ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि सरेंडर कार्ड पे आपको कदापि भी क्लिक नहीं करना, नहीं तो कार्ड आपका सरेंडर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि माई अकाउंट हो गया, अपडेट पर्सनल
प्रोफाइल हो गया, सिलेंडर कार्ड हो गया, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस हो गया, मेडिकल बोर्ड या हॉस्पिटल हो गया, इसके बाद डाउनलोड योर ई डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट। चलिए मैं ई डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट में आप पहले आपको डाउनलोड करके मैं बता देता हूँ कि मेरा आ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे अप्लीकेंट का आ गया है, जैसे डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट ऐसा कुछ करके आएगा। पहले था कि जो हाथ से लिख करके दे देता था, वो हाथ वाला काम नहीं करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस बजाते के साथ आपका यहाँ पे आ गया है, और पहले जो 40% था अब 60% ये बढ़ करके हो गया है। तो मैंने ये कैसे परसेंटेज किया है, तो ये ऑफलाइन ही आपका होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। अब इसमें क्या है कि फिर एक आता है कि डाउनलोड योर ई यूडीआईडी कार्ड, यानी ई यूडीआईडी कार्ड आपको आ जाएगा। हालांकि ये मेरा जो मेडिकल बोर्ड में मैंने गया, मैं पेशेंट को दिखाया, डॉक्टर देखा, 2 से 3 दिन में मेरा ये कार्ड आ गया था। हाँ, 2 से 3 दिन में आपका आ जाएगा। तो यूनिक्यू डिजेबिलिटी आईडी देख सकते हैं आपको ऐसा आ जाएगा, और ये तकरीबन 1 महीना के बाद आपको घर पे डाकिया लेकर के आएगा। फिलहाल अभी तक तो मेरा नहीं आया है कैंडिडेट का। अब इसमें है कि यूनिक्यू डिजेबिलिटी आईडी ये आपका आ गया है। सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, 60% यहाँ पे बजाते के साथ दिया हुआ है, समझ रहे हैं। तो ये है, अगर हो सकता है कि आपको कोई भी डाउट होगा तो वीडियो के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा डिटेल्स में अगर जानना चाहिएगा तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। चलिए मैं बारी बारी से मैं बात कर रहा हूँ। जैसे पहले देखिए, यहाँ पर मेरा एक भांजा है, उसका खुद मैंने बनवाया था, और तो उनका क्या था पहले देखिए 40% था, लेकिन उसका नाम में आधार कार्ड में दूसरा नाम था और इसमें दूसरा नाम हो गया था। तो इस लिहाज से क्या हुआ था कि जब बिहार गवर्नमेंट डिजेबिलिटी जो सर्टिफिकेट के आधार पर विकलांग सर्टिफिकेट के आधार पर विकलांग पेंशन देता है, उसका पेंशन रुक गया। किस कारण? क्योंकि आधार कार्ड में दूसरा नाम था और डिजेबिलिटी में दूसरा नाम था, इस लिहाज से। और नाम में करेक्शन करना था, कैसे होगा, ऑनलाइन हो नहीं रहा था, प्रोफाइल में सब चीज़ मैंने करके थक गया। उसके बाद मैंने गया मेडिकल बोर्ड में, उनसे रिक्वेस्ट किया, कुछ पैसे उससे लिया, खर्च वर्च। उसके बाद क्या किया कि वो बोल रहे थे कि भाई कितना चाहिए आपको, हाँ, तो हम कुछ बोले नहीं, तो उसमें 40% पहले था तो 60% कर दिया। अगर हम वहाँ पे बोलते 80% तो 80% वो कर देता है, भाई पैसा का कमाल है। डॉक्टर भी देखेगा, भाई चला जाएगा, जो वहाँ पर मैनेजिंग सब करता है, जो डाटा ऑपरेटर ये सब है, तो उसका भी कुछ दायित्व होता रहता है ना, क्या तो वो लोग कर देंगे। अब इसमें क्या है, आपको इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो पहले देखिए, आपको मन में होगा हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन कर लें, तो ऑनलाइन संभव नहीं है। हाँ, फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई करेंगे तो पहला टाइम में आपको होगा, फिर उसके लिए पहला टाइम भी आप करेंगे ना तो डायरेक्ट नहीं बनता है। उसके लिए मेडिकल बोर्ड में जा करके डॉक्टर पेशेंट को देखेंगे, पेशेंट को देखने भाई कि जब तक डॉक्टर नहीं देखेगा तो कैसे वो जानेगा ये कितना परसेंट है नहीं है। तो डॉक्टर फिजिकली तौर पर आपको देखेंगे, तो इसके लिए ऑनलाइन कर देने से छोड़ने से नहीं होगा। उसके लिए आपको या तो कॉल जाएगा, या तो खुद जो रिसीविंग निकाल कर अप्लाई जो आपने किया था उसको रिसीविंग निकाल करके आप जाइएगा कहाँ पे, मेडिकल बोर्ड में, जो होम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहाँ पे आपको जाना है। उसके बाद आप जब पूरा पेशेंट को दिखाइएगा कि विकलांग व्यक्ति को आप ले जाइएगा, वहाँ पर डॉक्टर देखेंगे, डॉक्टर देखने के बाद तकरीबन 2 से 3 दिन में आपका सब चीज़ बन जाएगा। बहुत ऐसा लोग है कि साल साल भर इंतजार करते हैं कि मेरा अपने ही बन जाएगा, तो अपने ही नहीं बनता है मेरे भाई, उसके लिए आपको मेडिकल बोर्ड में जाना पड़ता है, समझ रहे हैं। अब इसमें मैंने बताया कि जो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट है इशूइंग जो कौन करते हैं, तो इशूइंग जो है मेडिकल अथॉरिटी करते हैं, जो आपको होम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहाँ पर जाना पड़ेगा। अब बात आती है कि परसेंटेज वो कैसे बढ़ाएंगे, जैसे किसी का 10% है, हम उसको परसेंटेज बढ़वाना चाहते हैं, तो वो तो खैर देखिए कम से कम मिनिमम आपका 40% होना चाहिए, तभी आपको सरकारी जो भी लाभ है आपको मिलेगा। तो कम से कम कितना 40% होना चाहिए, अगर आपको मन में होगा ना भाई हमको 40% ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए ऑफलाइन मैंने बताया होम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा करके उस लोग वहाँ जो बैठे लोग रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट आपको करना है,
वही कुछ ले दे के, समझ रहे मैं क्या कहना चाहूँगा, तभी वो लोग काम करेंगे, समझे, वो लोग बढ़ा देंगे। 20% बढ़ गया भाई, 40% या देख रहे हैं कि 60% है, पहले 40% अब 60%, 20% बढ़ा है। नाम में भी सुधार वही लोग करेंगे, ऑफलाइन वहाँ पे जाइएगा, नाम में भी आपका सुधार हो जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ पे बारी बारी से आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया। एक देखिए, वैसे जो UDID कार्ड होता है ना, टेम्पररी होता है, एक परमानेंट होता है। परमानेंट का मतलब लाइफ टाइम हो गया, तो लाइफ टाइम आपको परमानेंट अभी नहीं देगा, क्योंकि देखिए अभी बच्चा में है, तो बच्चा में हो सकता है कितना जो तीन चार साल के बाद चलता है, तो उस स्थिति में अगर चल फिर नहीं करता तो बच्चा का भी डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट ये बनेगा, तो उसमें 5 साल का वैलिडिटी देगा, फिर 5-5 साल के बाद दिखेगा, तब देखेगा भाई आजीवन रहने वाला है तब परमानेंट देगा, नहीं तो अभी तो टेम्पररी से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, इतना माइंड में रखना। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टिप्स। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है, BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है।